दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों, मेरी इच्छा होती है कि हमारे संसार का हर व्यक्ति ज्योतिष को जाने। ज्योतिष ग्रह से जोड़ा जाता है, ग्रहों का संबंध हमारे व्यक्तित्व से होता है, हमारे व्यक्तित्व का संबंध हमारे कर्मों से होता है, और हमारे कर्मों का संबंध हमारी दिनचर्या से होता है। अगर हमारी कुंडली के अंदर हमारे 9 ग्रह होते हैं, हमारी 12 राशि होती हैं, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और हमारे 12 भाव होते हैं, यदि हमारी कुंडली में ग्रह अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो हमारा जीवन भरपूर संपूर्ण आनंदपूर्ण होता है। और यदि हमारे ही वो ग्रह किसी गलत स्थान पर जाके बैठ जाते हैं तो हमारा जीवन ही उतना खराब। दोस्तों, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉडकास्ट सुजाने से बोल रहा हूं। यदि किसी भी व्यक्ति को मेरी वीडियो या मेरे बोलने का तरीका या मेरी सोच अच्छी लगती है, मैं जानता हूं इस संसार में जब 5 उंगली भगवान ने एक नहीं बनाई तो हम सब एक कैसे हो सकते हैं। लेकिन गलत कोई भी नहीं है, ये सब ईश्वर का बनाया हुआ विधान है। कुंडली की एनालिसिस कीजिए। बहुत लोगों के मेरे पर फोन आते हैं कि वो पूछते हैं कि आपका मेरी बनाई हुई वीडियो ने पसंद आती है। दोस्तों, मेरे पास कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, कोई सोच नहीं। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप अपने कुंडली को समझ के अपने आप कुंडली को देखें, कोई भी ब्राह्मण, मैं भी आपका भला नहीं कर सकता। मैं आपके ग्रहों को उन 12 राशियों में बैठे हुए ग्रहों को देख के आपके जीवन के बारे में मैं बातें बता सकता हूं जो घट रहे आपके साथ, घट चुकी या जो घट सकती हैं। आप सहज भाव से ज्योतिष को सीखने का प्रयास करो। हर व्यक्ति को ज्योतिष आने चाहिए। आज हर व्यक्ति के घर में स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार होती है तो हर व्यक्ति अपने गाड़ी मोटरसाइकिल चला के अपना काम कर जाता है। यदि ये ज्ञान रूपी गंगा हर घर में फैल जाए और हर व्यक्ति को जानकारी हो जाए तो वो आदि समस्याओं को अपने आप ठीक कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज हमारे जीवन पे ग्रहों का प्रभाव। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है जिससे हमारे नेचर में परिवर्तन आ जाता है। हम अच्छे भी बन जाते हैं और हम बुरे भी बन जाते हैं। हमें अच्छाई मिल जाती है और हमें बुराई भी मिल जाती है। आप समझ पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आज सूर्य के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो ज्योतिष विद्या है 5000 साल पुरानी थी है, और युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। कल युद्ध ईंट पत्थरों से होते थे, आज मिसाइलों से होते हैं। आज हम अपने कितने भी दूरी में बैठे बैठे मिसाइल को दाग के उसका अंत कर सकते हैं। बदला कुछ नहीं, बदला है तो काम का तरीका बदला है। युद्ध वो होने कल भी बंद नहीं हुए और आज भी बंद नहीं हुए, और लेकिन तरीका बदल गया। कल युद्ध किसी और तरीके से होता था, आज युद्ध किसी और तरीके से होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं सूर्य। सूर्य क्या है? पहले वैदिक ज्योतिष थी सूर्य। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल, ये 9 ग्रह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 7 ग्रह प्रत्यक्ष सौर मंडल में दिखाई देते हैं और 2 ग्रह राहु केतु सौर मंडल में नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। छाया ग्रहों का क्या संबंध है हमें ये सब जानना है। छाया ग्रह एक तरह से एक उनके नीच प्रवृत्ति होती है, वो छाया को मतलब कष्ट डालते हैं। तो आपको मैं ये सारे के सारे ग्रहों के बारे में आज विस्तार से बता रहा हूं। यदि आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगता है, इसके आधार पे यदि जब कभी आप शादी का भी मैचिंग करते हैं तो आपके लड़का लड़की के दोनों के जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र होने चाहिए। यदि शत्रु ग्रह हैं तो वो रिश्ता लंबा नहीं चल पाएगा, व्यवहार अच्छा नहीं हो पाएगा। अब मैं ग्रहों के बारे में बताता हूं। दोस्तों, यदि ये सब कुछ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और मेरे यहां कंसल्टेंसी भी होती है। दोस्तों, हमें कैसे मालूम हो जाता है? एक विधा, ये साइंस ऐसी है, बच्चा का जन्म होते ही हम बता देते हैं कि बच्चे की शादी होगी,
और भसादी कैसी होगी, क्या पत्नी की डेथ होगी, क्या बच्चा विदेश जाएगा, क्या बच्चा एजुकेटेड होगा, क्या बच्चा आईएएस बनेगा, क्या बच्चा पुलिस में जाएगा, ये सब बातें कैसे बता देते हैं हम पोल्ट्री देखते ही, और सत्य साबित होती है। क्या कोई साइंस ऐसी है जो व्यक्ति की एक डेट ऑफ बर्थ से ऐसा बता सके? हाँ है, तो वो एक ज्योतिषी साइंस ऐसी है। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या करके इस विधि को बड़ा उजागर करा है। दोस्तों अब मैं सूर्य के बारे में बताता हूँ। सूर्य हमारा सब में बड़ा ग्रह है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। किसके? सूर्य के चारों तरफ। सूर्य केंद्र बिंदु है, अग्नि तत्व है। आप हर ग्रह के तत्वों को देखो, उसके साइन को देखो। सूर्य सिंह राशि, शेर धारणा, जैसे ग्रह का नेचर होगा, जैसे साइन होगा, वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होगी। सूर्य चमकता है रोशनी की तरह। सूर्य जिस व्यक्ति की भी कुंडली में जहां बैठ जाएगा, उस घर को चमका देगा, रोशन कर देगा, मतलब वो ग्रह से वो परिपूर्ण हो जाएगा। दस में बैठ भाव में बैठ जाएगा तो वो कारोबार में मजबूत होगा। यदि चौथे भाव में बैठ जाता है तो उस व्यक्ति का घर वास्तु के दृष्टिकोण से भरपूर और संपूर्ण और सही जाएगा। उसकी पूरब दिशा बिल्कुल ठीक होगी और उसके घर में रोशनी अपने यथा बताएगी। घर में आने वाली प्राकृतिक रोशनी, जिन घरों में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी के लिए खिड़की रोशनदान होते हैं, सूर्य की रोशनी घर की पूर्व दिशा में आना शुभ होता है। यदि किसी कारण से हम सूर्य की रोशनी को बंद कर देते, आप ध्यान देना कि 3 महीने के अंदर उस घर के अंदर कोई ना कोई रोग चालू हो जाएगा और पिता पुत्रों के संबंध बिगड़ जाएंगे। सूर्य रोग का निवारण करता है, सूर्य बैक्टीरियों को मार देता है, सूर्य का काम यह है। तो दोस्तों सूर्य क्या है? राजा, शेर की तरह धारणा, सिंह राशि, इसका नंबर क्या है? 1। सूर्य तत्व क्या है? अग्नि तत्व। बात लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? मन का कारक। सूर्य बाहर के प्रकाश, सूर्य दिखाता है, चंद्रमा फीलिंग है अंदर की, मैं क्या फील कर रहा हूं, आपके अंदर मेरे प्रति क्या फीलिंग है, ये चंद्रमा साबित करता है। यदि चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है तो आपकी नकारात्मक सोच होगी, अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो आपकी सकारात्मक सोच होगी। चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप घर में अपने पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी की टंकी को यथावत साफ करें, कभी भी पानी में गंदगी ना फैलाएं। अगर आप पानी में गंदगी फैलाते हैं तो आपके घर में धन की कमी आ जाएगी, आपके घर में पिता पुत्र की नहीं बन पाएगी, बैर रहेगा, उसकी भावनाएं जो है वो अच्छी नहीं रह पाएंगी। मैं बताना चाहता हूं सफाई पर ध्यान दें। मन, अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारे सारे काम अच्छे हैं। दोस्तों आप अगर चाहते हैं तो वैसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं कुंडली को एनालिसिस करके न्यूमरोलॉजी को और वेदिक को आपस में जोड़ के बताता हूं। मंगल क्या है? इच्छा शक्ति। मंगल इच्छा शक्ति है। ऋण, रोग, बीमारी, कर्ज, ये सब मंगल के अधीन आता है। भयंकर बीमारी, रक्त से संबंधित बीमारी, कैंसर से संबंधित बीमारी, अगर आपका मंगल ठीक नहीं है, अगर मंगल आपका नीच है, 12वें स्थान पे है, 6ठे स्थान पे है, 7वें स्थान पे है, 8ठे स्थान पे है, तो मंगल अच्छा नहीं माना जाता। लगन में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें में मंगल होने से मंगली दोष होता है, मंगल को मंगल दोष भी लगता है। तो अगर आपके घर की रसोई साफ नहीं है, गैस का बर्नर साफ नहीं है, तो आपके घर में मंगल खराब होगा, आपके घर में रोगों की उत्पत्ति होगी, आपको कर्जा चढ़ा रहेगा, आपके ब्लड की कमी रहेगी, कैंसर जैसी बीमारी भी आपके घर में हो सकती है। दोस्तों समय कम है, मंगल को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हमेशा मंगलवार को बड़ प्रसाद बांटें। बुध, खाना बनाना और चूल्हा यानी रसोई घर मंगल का जो शत्रुता रोग का कारक है, झगड़े और रोग पीछे नहीं छोड़ते। अब आता है बुध, खराब। अगर बुध क्या है? बुद्धि का कारक, बुध ज्ञान। मन और बुद्धि में दोनों में फर्क है। मन एक चिरायमान है, बुद्धि स्थिर है। बुद्धि सोचती है कुछ कर, मन कहता है ये कर दे अच्छा होगा, बुद्धि कहती है नहीं अगर ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो बुद्धि और मन में फर्क है। आप बुद्धि और मन के एनालिसिस को करने की सोचिए। जो अचानक मन कल्पनाशील है, मन उड़ेगा, अरे मैं घूम रहा हूं, उड़ रहा हूं, बुद्धि कहेगी कैसे उड़ेगा,
जब तक तेरे पर नहीं होंगे तो कैसे उड़ जाएगा। तो बुद्धि को और मन को समझो। बुद्धि बुद्ध किसी का खराब है तो घर के अंदर बहन बेटी बुआ सुखी नहीं रहेगी, और पहले तो उसके बहनों की उत्पत्ति ही नहीं होगी। अगर उत्पत्ति होंगी तो सुखी रहेंगे, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। घर के अंदर संचार व्यवस्था, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, गिटार, सितार आपके घर में खराब अवस्था में पड़ जाएंगे। आप इन सब सामानों को अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दें या किसी को फ्री में दे दें। अगर जब तक आपके घर में ये सब साधन रहेंगे तो आपका बुध खराब रहेगा। दोस्तों, बुध को ठीक करने का प्रयास करो। अब मैं बताना चाहता हूं, अब मैं गुरु के बारे में आता हूं। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। यदि गुरु अच्छा है, अगर गुरु अच्छा है तो पत्नी अच्छी, गुरु अच्छा है तो संतान अच्छी, और गुरु अच्छा है तो धन अच्छा, और गुरु खराब तो सब कुछ खराब। देखो दोस्तों, गुरु को आप पढ़ो। गुरु ज्ञान है। जब मन के अंदर ज्ञान बैठ जाता है, गुरु और चंद्रमा का गज कैसे योग बन जाता है। जब मन में ज्ञान बैठ जाता है तो उसे इन सब रिश्तों से सुख की प्राप्ति होती है। पूजा करता है, पूजा स्थान साफ रखता है, गुरु से घर में सारे कार्य शुभ ही शुभ होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं शुक्र के बारे में। शुक्र क्या है? चमक। चंद्रमा भी चमक है, शुक्र भी चमक है। लग्जरी। शुक्र वाला व्यक्ति एक लग्जरी जीवन जीना चाहता है, जिससे वो अपने जीवन में सब साधन प्रकाश कर सके। अगर अगर आपके घर में शीशा टूटा हुआ है तो राहु प्रभाव भी डालता है। शुक्र राहु का भी गुरु है, शुक्राचार्य से भी लिया गया है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ताजे, आप रोज आपको स्वस्थ रहना चाहिए, नहाना धोना अच्छा होना चाहिए, सेंट आपके ऊपर होना चाहिए। यदि आपकी गंदगी है, आपके शरीर में कहीं गंदगी है, तो समझो आपका शुक्र खराब है। जिनका शुक्र खराब होता है वो मैले कचैले कपड़े पहनते हैं, उनके अंडरगारमेंट सब फटे हुए मिलेंगे। आप किसी के भी निकाल के देख लेना, आपको ये मालूम हो जाएगा। अगर आपके अंडरगारमेंट्स आपके फटे हुए नहीं है तो मानो शुक्र आपका अच्छा है। आपके अंदर अपने शरीर की, अपने शुक्र की, अपने ग्रह की केयर करने की क्षमता है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसे मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, लाइट, शीशे का, वस्तुओं का कारक, बेडरूम का, वस्तु सुख से प्रभावित होती है, खिड़की में शीशे टूटे या हमारे मोबाइल के स्क्रीन का टूट जाना, ये सब शुक्र खराब की पहचान है। घर में सीलन का आना, प्लास्टर से चीज ना रखें, प्लास्टर का हट जाना। ठीक है, अब आता है बात शनि। शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर। इसका संबंध किससे है? मेहनत से, सेवा से। अगर आपके मन में मेहनत सेवा का भाव नहीं है और आप तो आपका शनि खराब है। ईगो होगी, आप जब ईगो होगी तो आप मेहनत नहीं करेंगे, आपका पसीना नहीं बहेगा। जब आपके शरीर से पसीना जमीन पर नहीं टपकेगा तो आपका शनि खराब होगा, और शनि खराब होगा, शनि जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, जेल, जज भी जेल शनि होता है, वकील भी शनि होता है, और फंदा भी शनि होता है, और फांसी जो देने वाला जल्लाद होता है वो भी शनि होता है। तो शनि को समझने का प्रयास करें। शनि ही राजा बना देता है और शनि ही फकीर बना देता है। शनि आदमी को नशे की आदत बना देता है, शनि एक बदमाश भी बना देता है, शनि एक व्यापारी भी बना देता है। इन तथ्यों को समझो। शनि राजनीतिक भी बना देता है। अगर शनि अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, और शनि खराब तो सब कुछ खराब। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम लगाता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आम आदमी का तो मकसद ये कहना है, अजी क्या हो गया, दो में। दोस्तों, मैं ये सेवा भाव से काम कर रहा हूं, मेहनत करता हूं, और आपको अच्छी लगे तो आप मेरे से कुंडली भी कंसल्ट करवा सकते हैं। आपके नौ ग्रहों पे ही पूरा का पूरा संसार टिका हुआ है, आपकी पूरी कुंडली टिकी हुई है, और इनको सबको तसल्ली से देखिए और जानिए। यदि किसी को कंसल्टेंसी करवानी है तो संपर्क कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो आप उसे शेयर कीजिए, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रारंभ